दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन की बात करता हूँ, सबसे बेकार है बिहार बोर्ड। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजिटल वर्क ऑनलाइन में। दोस्तों हम बता दें, यहाँ पे इंटर और मैट्रिक का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इंटर का कंपार्टमेंटल का रिजल्ट भी जारी हो चुका है और स्कूटनी वाला रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन बिहार बोर्ड के मैट्रिक वाले बच्चों का यहाँ पर जारी नहीं कर रहा, ना ही कोई अपडेट दे रहा है, ना ही यहाँ पे कंपार्टमेंटल का जारी किया मैट्रिक का, और ना ही यहाँ पे इंटर का, मतलब ना ही यहाँ पे मैट्रिक का स्कूटनी का रिजल्ट जारी किया और ना ही कंपार्टमेंटल का। अब बताइए दोस्तों, जिनको भी अगर इंटर में एडमिशन कराना होगा, मतलब 11th में एडमिशन करना होगा, वो बच्चे कैसे करेंगे, क्योंकि उसका डेट तो 7 तारीख तक रखा गया है और अब 4 तारीख हो गया, अब सिर्फ 3 दिन बाकी है। अब बताइए दोस्तों, अब क्या किया जाए। अब बहुत सारे बच्चे हमारे वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि बताइए कब आएगा, कब आएगा, हमको इंटर में एडमिशन कराना है, तो हम क्या बताएं वो सबको। बताइए, बिहार बोर्ड बहुत ही गलत कर रहे हैं, सबसे बेकार है बिहार बोर्ड, कोई भी काम समय पर नहीं करता है। बस इसका ये है कि फॉर्म फिल करवा लेगा बस, और पैसा ले लेगा बस, इसके बाद अभी कुछ नहीं कर पाएगा ये।